आगे बढ़ेंगे। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.4 नई किताब में और 2.5 पुरानी किताब में। ठीक है गाइस, तो जहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था, आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 आपको कुछ इस प्रकार दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको 3 सवाल दिए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है और इन सवालों को हल करना है। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। जैसे हमें दिया है 99 की घात 3, मतलब 99 की घात कितनी दी है आपको, यहाँ पर 3 दी हुई है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 99 जो लिखा है या तो हम 90+9 करके हल करेंगे या फिर हम 100 में से एक कम करके हल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो 100 में से एक कम करके हल करने वाला है। तो 100 में से अगर हमें घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 99, तो उसको ऐसा लिखना है आपको। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोष्ठक में हमें माइनस दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें माइनस का सूत्र लगाना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस का सूत्र लगाना है। तो लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई और उसकी घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x² y फिर प्लस में 3xy². ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो x के y के मान निकाल के रख देने हैं। ठीक है, तो देखो x का मान क्या हो जाएगा और y का मान क्या होगा। देखो x का मान तो हमको दिख रहा है 100 और y का मान क्या दिख रहा है, 1। क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 रख देते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं है। x की घात 3 तो कितना हो जाएगा, 100 की घात 3 माइनस y की घात 3 है तो 1 की घात 3 माइनस 3 × x², तो x की जगह हम लिख देंगे 100 और y की जगह लिख देंगे 1। उसी प्रकार 3 × x की जगह लिख देंगे 100 और y की जगह लिखेंगे 1। ठीक है गाइस, ये आपको कर लेना है। अब हमें आगे क्या करना है, तो इसका घात जो 3 है वो उसको खोल देना है। कैसे खोलेंगे, देखो यहाँ पे समझ लीजिए 100 की घात 3 है तो यहाँ पे 1 की घात 3 का मान 1 होगा और जो 2 जीरो है ना उनको जो है 3 बार लिख देंगे इस टाइप से। ठीक है, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि घात ती है 3, माइनस 1 की घात 3 का मान 1 ही होगा। फिर 3 × 100 की घात 2 है तो 1 की घात 2 का मान 1 और 2 जीरो को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि घात 2 है, गुणित में आपके 1। फिर प्लस 3 × 100 ऐसा कैसा, गुणित में 1 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस से ऐसा कैसा लिख देंगे, माइनस 1, 3 × 3, फिर 3 × 3 संख्या का संख्या से कर लिया, बाकी 0 ऐसी कैसे आप लगा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 × 3, फिर 3 × 3 और 0 ऐसी कैसे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये प्लस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है और ये दोनों माइनस की संख्या है, तो पहले प्लस की संख्या को प्लस की संख्या के पास लिख लीजिए। ठीक है, तुमको सोल्व करने में जो है आपको सोल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद प्लस का 300 हमने ले लिया, अब पीछे कर देते हैं माइनस 1 और माइनस का 30,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ये तो प्लस में है और ये क्या है कि दोनों माइनस में, तो दो माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है, माइनस लगता है, इसलिए इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 का 0 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा और ये 3 को इस 0 से जोड़ेंगे तो 3 और 1 2 3 0 आपकी ऐसी कैसी और ये 1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस ही आएगा और जो 1 जुड़ेगा वो यहाँ आ जाएगा, बाकी आपकी संख्या ऐसी की ऐसी। अब इस संख्या में से ये माइनस कर लेंगे तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इस टाइप से। ठीक है, 1 0 0 फिर आपके 0 और ये 3। अब इसमें से माइनस करने की बात है तो देखो 0 में से तो 1 जाता नहीं है, तो यहाँ से उधार लेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सॉरी आपको यहाँ से नहीं लेना है, इस 3 से आप उधार ले सकते थे, यहाँ पे गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, इसमें से आपको 1 0 0 0 3 ये घटाना है, तो आप यहीं से उधार ले लीजिए, 10 में से 1 गया तो 9 और ये 9, ये 2, ये 0, यहाँ से उधार लीजिएगा, 10 में से 3 गया तो 7 और ये 9 ऐसा कैसा, तो कितना आ जाएगा, 97 0 2 99। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो कितना आया है, 97 0 200 99। ठीक है, 970,299। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया है और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड सवाल की। इसके अगला सवाल आपको कुछ इस प्रकार दिया है, 102 की घात 3, तो 102 को हम क्या करेंगे, 100+2 के रूप में लिख देंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाली जो है सर्वसमीका लग जाएगी, है ना, लगेगी तो वही x+y लेकिन प्लस वाली लग जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, x की घात 3 फिर y की घात 3 फिर 3x² y फिर 3xy² ठीक है, ये वाली।
एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे एक्स की घात 3 है, इधर मान रख देंगे, तो देखो 100 की घात कितनी हो जाएगी 3, प्लस वाई की घात 3 है तो 2 की घात 3, फिर 3 गुणित एक्स की घात 2 है तो 100 की घात 2 गुणित वाई ऐसा कैसा है 2, फिर 3 गुणित एक्स की जगह 100 और इस बार वाई मतलब 2 की घात 2 मान रखना है, आराम से हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 1 की घात 3 का मान 1 और 2 जीरो को 3 बार लिख दीजिए आप, इसका मान हो जाएगा ये 2 की घात 3 है, मतलब कि इसको 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 3 गुणित यहाँ पे घात 2 है तो कितनी 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, गुणित में 2 ऐसा कैसा, प्लस 3 गुणित 100, यहाँ पे घात 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लेते हैं ये 10,000 नहीं है, ये ना 6 जीरो जो लग रही है लगा देंगे 6, फिर ये 8 प्लस इनका गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दुना 6, बाकी ये जीरो आपके ऐसे की ऐसी, प्लस 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये जो है दोनों जीरो आपके ऐसी की ऐसी। अब यहाँ पे तो सभी के सभी कायम है, यहाँ पे प्लस में, अब अगर सभी के सभी प्लस में है तो इन सभी को क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जब इनको जोड़ेंगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा आपके, तो आ जाएगा 10,61,208 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो ये था आपके सेकंड सवाल, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड वाले सवाल की। तो थर्ड वाला सवाल आपको दिया है 998 की घात 3, कितना दिया है 998 की घात 3। तो सबसे पहले हम बात करें तो अभी तक हम 100 का केस देख रहे हैं, इस बार हमने क्या देखा है 998 जो कि 1000 के आसपास है, अगर 1000 के आसपास है तो 1000 में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा, घात 3 लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो सूत्र फिर से आपको वही लगाना है जो आई की सर्वसमिका है माइनस वाली, क्योंकि माइनस आया है, एक्स की घात 3 यहाँ पे माइनस ही है आपके, फिर वाई की घात 3 माइनस 3x² y और प्लस का 3x y², तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 1000 और वाई का मान क्या हो जाएगा 2। रख देते हैं मान, एक्स की घात 3 है तो क्या हो जाएगा 1000 की घात 3 माइनस वाई की घात 3 की जगह 2 की घात 3, फिर 3 गुणित x² तो x की जगह क्या हो जाएगा 1000, y की जगह कितना हो जाएगा 2, उसी प्रकार 3 गुणित x की जगह 1000 और इस बार y की जगह कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये आपको कर देना है। अब हम इसे खोल लेते हैं तो देखो कितनी बड़ी संख्या है, देखो 1 की घात 3 को 1 ही होता है और 3 जीरो को इस बार हमको 3 बार लिखना है, 2 और ये 3 माइनस 2 की घात 3 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अभी बताया था मैंने, माइनस 3 गुणित इस बार घात 2 है तो कितना 1 और 3 जीरो को 2 बार लिख देंगे, ठीक है, गुणित में 2 प्लस 3 गुणित यहाँ पे 1000 ऐसा कैसा और 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 4, तो लिख देते हैं ये आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, माइनस में 8 इसका गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 3 और 3 6 जीरो आपके लगा देनी यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या को प्लस की संख्या पास रख दीजिए, 3 1 2 3 फिर 1 2 3 ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 12000, ठीक है, और ये दोनों माइनस के साथ में लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगी और वो दोनों भी जुड़ जाएगी। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 3 जीरो तो आपकी ऐसी कैसी आने वाली है, ठीक है, बाकी चौथी में 2 और 1 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 जीरो और ऐसी कैसी बच जाएगी, और ये 1 इनको इससे जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस की है, दो माइनस संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है माइनस, 8 इसमें जोड़ देंगे तो 6 1 2 3 4 5 जीरो और 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो और ये 8। अब इसको इससे घटा देंगे, जब इसको इससे घटाएंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 99,40,11,99,2, ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। अगर आपको घटाने में समस्या है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए, पहला सवाल है ये आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये और उसके बाद ये, इसके बाद आता है आपके अगला सवाल जो सेकंड सवाल है, उसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से ये उसके बाद ये और उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और बात गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करते समय कभी कुछ जो है अननोन वॉइस आ जाती है तो आप उसको जो है एडजस्ट करिएगा,
ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।